19 साल के पिज्जा डिलीवरी एजेंट ने दिल्ली में कोरोना वायरस के लिए संक्रात्मक परीक्षण किया है, जिससे 70 से अधिक परिवारों के लिए एक बड़ा डर पैदा हो गया है। ये पिज्जा डिलीवरी एजेंट ने पिछले रविवार तक दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल के लिए पिज्जा डिलीवर किया था। इसके बाद पिछले हफ्ते उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें सरकार द्वारा संचालित RML अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 15 दिनों में इस पिज्जा डिलीवरी बॉय ने दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में पिज्जा डिलीवर किया था। इनमें हॉसकॉस और मालवीय नगर भी शामिल है। दक्षिण दिल्ली के जिला कलेक्टर BM मिश्रा के मुताबिक इन परिवारों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और इनकी निगरानी की जा रही है। हालांकि अब तक उनके कोरोना टेस्ट नहीं किए गए। यदि उनमें से किसी में कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो सभी का टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि अधिकारियों ने अभी तक पिज्जा डिलीवरी बॉय और उन 72 फैमिली की पहचान उजागर नहीं की है। वहीं छत्तरपुर में इस पिज्जा डिलीवरी एजेंट के संपर्क में आने वाले 20 और डिलीवरी बॉय को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जिस रेस्टोरेंट में ये पिज्जा एजेंट काम करते थे, उसने 14 दिनों के लिए रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। एक बयान में रेस्टोरेंट ने कहा कि इसने COVID-19 के प्रोटोकॉल को बनाए रखा था, लेकिन डिलीवरी पार्टनर संक्रमित हो गए। सभी सावधानियों के बाद घटनाओं के एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ में दक्षिण दिल्ली में हमारे मालवीय नगर रसोई के एक डिलीवरी पार्टनर का कल कोविड पॉजिटिव का परीक्षण किया गया था। हमने अधिकारियों के साथ सभी आवश्यक जानकारी साझा की है और वे उन सभी ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं जो इस डिलीवरी एजेंट के संपर्क में आए थे। रेस्टोरेंट वालों का कहना है कि जब हम समाज की सेवा करते हैं, हमारे एक साथी इससे संक्रमित हो गए, परंतु हम उसके साथ खड़े हैं और उसका समर्थन करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये पिज्जा डिलीवरी बॉय अपने डायलिसिस के लिए अस्पताल गया तो डॉक्टर्स को उसमें कोरोना के लक्षण दिखे, जिसके बाद उसको क्वारंटाइन कर दिया गया और उसका टेस्ट किया गया। टेस्ट के रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव मिला। अब उसका इलाज चल रहा है। वहीं बूथ स्तर पर कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान कर रही टीम उन 72 लोगों पर भी नजर बनाए हुए हैं जो इस डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए थे। यदि किसी में भी कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उनका तत्काल टेस्ट करवाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि डिलीवरी बॉय का कोई भी यात्रा इतिहास नहीं है, जिससे यह पता चलता है कि उसने एक संक्रमित परिवार को पिज्जा डिलीवर किया होगा, जिसके चलते वो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया। आए दिन भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 12,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं भारत में अब तक कोरोना वायरस के कारण 400 से अधिक लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दे रही है और उन्हें घर पर रहकर ही काम करने को कह रही है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करें।